कोहली, पांड्या, केएल राहुल ने हिंदुस्तानी होने का निभाया फर्ज, खालिस्तानी सिंगर को किया अनफॉलो। उधर हरभजन ने लगाए चहल पर गंभीर आरोप। ऑटो ड्राइवर के बेटे ने क्रिकेट जगत में मचाया तहलका। वर्ल्ड कप से पहले रोनाल्डो के फैन ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को दी चेतावनी, बन गए नंबर वन गेंदबाज। विश्व कप से पहले बागेश्वर धाम के शरण में पहुंचा यह घातक गेंदबाज। उधर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने एक साल में दूसरी बार रचाई शादी। दोस्तों, विराट कोहली ने एक बार फिर से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीतने में कामयाब रहे। कनाडा में रहने वाले पंजाबी सिंगर शुभ जब तक खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करते थे, तब तक शुभ विराट कोहली के फेवरेट सिंगर हुआ करते थे। काफ़ी टाइम विराट कोहली ने खुद ट्वीट करते हुए शुभ को अपना पसंदीदा सिंगर भी बताया था, लेकिन पंजाबी सिंगर शुभ जैसे ही खालिस्तानियों के समर्थन में मैदान पर उतरे, ठीक उसी टाइम विराट कोहली ने शुभ को देशद्रोही करार देते हुए अपने इंस्टाग्राम से खालिस्तानी शुभ को अनफॉलो कर दिया। कोहली के बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या भी हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाते हुए पंजाबी सिंगर शुभ को अनफॉलो कर दिया। कुछ टाइम पहले कनाडा में रहने वाले पंजाबी सिंगर शुभ ने अपने सोशल मीडिया के जरिए भारत का एक नक्शा शेयर किया था। इस नक्शे से जम्मू कश्मीर और पंजाब गायब थे और ऊपर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए प्रे फॉर पंजाब भी लिखा था। शुभ के इस पोस्ट ने विराट कोहली का दिल तोड़ दिया और कोहली ने खालिस्तानी शुभ को अनफॉलो कर दिया। एक तरफ जहां विश्व कप के लिए चुने गए सभी खिलाड़ी मैदान पर अपना खून पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने यूजी चहल के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एक नई नौटंकी खड़ी कर दी है, जिसे कोई भी हिंदुस्तानी पसंद नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा है कि यूजी चहल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में होना चाहिए था, उन्हें जानबूझकर मौका नहीं दिया गया, यह मेरी समझ से परे है। जरूर चहल ने टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी से लड़ाई करी होगी, इसीलिए इसे मौके नहीं मिल रहे। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ घातक गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद सिराज का अब पूरी दुनिया पर राज हो गया है। अब तो ICC ने भी मान लिया है कि मोहम्मद सिराज ही दुनिया के नंबर वन गेंदबाज हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर तो मोहम्मद सिराज के पापा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन एक समय हुआ करता था जब मोहम्मद सिराज के पापा हैदराबाद की सड़कों पर ऑटो चलाकर किसी तरह से घर का खर्चा चलाया करते थे। उस समय मोहम्मद सिराज को दिन के 70 रुपये मिला करते थे। उसी 70 रुपये में मोहम्मद सिराज अपना दिन का पूरा खर्चा चलाते थे। 40 रुपये तो उनके प्लेटिना बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए ही लग जाता है, जिससे वह क्रिकेट क्लब जाते थे क्रिकेट की ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन वही मोहम्मद सिराज का आज पूरी क्रिकेट की दुनिया पर राज हो गया। मोहम्मद सिराज ODI के नंबर एक गेंदबाज बन गए। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान और ऑस्ट्रेलिया के ही मिचेल स्टार को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। कुछ दिन बाद से ही भारत में वनडे का विश्व कप भी होने वाला है। दोस्तों, इस विश्व कप में मोहम्मद सिराज के ऊपर सभी की नज़रें होने वाली है। मोहम्मद सिराज किस तरह से गेंदबाजी करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद सिराज ने एशिया कप में अपना परचम तो लहरा चुके हैं। अब मोहम्मद सिराज का अगली अग्नि परीक्षा एशिया कप के बाद अब वर्ल्ड कप में होने वाला है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम के भारत के सबसे घातक स्पिनर कुलदीप यादव एक बार फिर से वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले 10 दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार के शरण में जा पहुंचे हैं। इसके पहले भी काफी महीने पहले भी कुलदीप यादव बागेश्वर धाम सरकार की शरण में पहुंचे थे। उसके बाद कुलदीप यादव का वेस्ट इंडीज दौरे पर सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करी थी। वेस्टइंडीज दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कुलदीप यादव को एशिया कप की टीम में भी जगह मिल गई थी, जहां एशिया कप में कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से पूरी दुनिया भर में सनसनी मचा दी थी। उसके बाद कुलदीप यादव को अब वर्ल्ड कप की टीम में भी जगह मिला हुआ है। हालांकि कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे 3 वनडे मैचों की सीरीज से स्टार्टिंग 2 वनडे मैच से बाहर हैं, लेकिन 3रे वनडे मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, हो सकता है एक बार फिर से कुलदीप यादव बागेश्वर धाम शरण का आशीर्वाद लेने के बाद विश्व कप में एक बार फिर से अपनी घातक गेंदबाजी करते दुनिया के सभी बल्लेबाज